अच्छा, ये आज का सेशन चालू करते हैं और आपको बताते हैं आज कुछ विशेष जानकारियां आपके बारे में। राधे कृष्ण, कैसे हैं आप लोग? राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं? ऑफ हो गए क्यों? आ रहे हैं। जय श्री कृष्णा, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? चलिए जी, मुझे कुछ बहुत विशेष चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है जो मैं आप लोगों से करने आई हूँ आज। थैंक यू सो मच। हमारे जीवन में अंक कितने विशेष होते हैं और इनकी हमारे जीवन के अंदर कितनी वैल्यू होती है, ये कैसे हमारी किस्मत को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, आज हम इस चीज़ पर, इस चर्चा पर आपसे बात करेंगे। अंक हमारे जीवन में अलग-अलग तरीके से प्रभाव दिखाते हैं। अंकों का हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर होल्ड होता है, जैसे कि हमारी एनर्जीज के ऊपर हमारे अंकों का बहुत विशेष होल्ड होता है। हमारे अंदर कैसे तत्व हैं और वो तत्व हमारे जीवन में किस तरीके से असर दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम अंकों को सही तरीके से यूज़ करें तो कहीं ना कहीं वो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। जैसे सपोज करिए, मेरे जीवन में जल तत्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जल तत्व मेरे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और मुझे बार बार इफेक्ट करता है, जिस वजह से मैं बेवजह की बातों से इमोशनल हो सकती हूँ। मैं इमोशंस में आकर कुछ ऐसे फैसले कर सकती हूँ जो मेरी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। मेरे इमोशंस हमेशा मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। मैं अपने इमोशंस में ऐसे ही लोगों के साथ बनूंगी जिनके साथ मेरा कार्मिक रिलेशन होगा, जो लोग मुझे हमेशा पीड़ा, दर्द, तकलीफ या कहीं ना कहीं मेंटली और मॉनेटरी मुझसे कुछ लेंगे ही लेंगे। ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में एक तरफा मुझसे जुड़े रहेंगे, मतलब मेरी साइड से जुड़े रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ से मेरे लिए 0% लगाव होगा। ऐसे लोगों को मैं अगर अपने जीवन से निकालना चाहूँ या हटाना चाहूँ तो ऐसे लोग तुरंत हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ किसी कारण से जुड़े हैं, कोई एक बहुत बड़ा मकसद है जिस वजह से वो मेरे साथ जुड़े हैं। ऐसे लोगों को मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर मैं अपने जीवन के अंदर उन नंबर्स को चुनती हूँ या उन नंबर्स का सही से प्रयोग करती हूँ जो मेरी इस चीज़ को बैलेंस कर पाए, मेरी एनर्जीज को बैलेंस कर पाए, तो मैं अपने जीवन में ना तो कभी किसी से घात खाऊंगी, ना मैं अपने जीवन में लोगों से कार्मिक रूप से बार बार जुड़ूंगी और ना कार्मिक रूप से कोई मुझे कभी भी किसी भी तरीके से हर्ट कर पाएगा, ना ही वो मेरे जीवन से मुझे मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से लूट पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने ऊपर होल्ड बना लूंगी कुछ नंबर्स को यूज करके। ऐसे ही नंबर्स होते हैं जो हमारे जीवन में बार बार हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ति भी करते हैं और हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सपोर्टिव सिस्टम होते हैं। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से आप अपने फोन में
नंबर्स को लगाकर अपने फ़ोन को लॉक और प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से आप अपने किसी भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को या अपने गहनों को या अपने पैसों को लॉकर के अंदर लगा के रख के वहाँ पर आप एक कोड फिक्स कर देते हैं और आपकी वो चीज़ प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से आप अपने जीवन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक पासवर्ड से, और बहुत कुछ पा सकते हैं एक पासवर्ड को यूज़ करने से। नंबर्स के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं और अक्षरों में भी ये चीज़ें होती हैं। अक्षरों को हमने मंत्रों के रूप में आपके जीवन में बार बार अलग अलग तरीके से प्रयोग करना बताया है। जैसे कि जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कोई भी बुरी शक्ति आपको परेशान कर रही हो तो आपको हमेशा क्लिम का यूज़ करना चाहिए। क्लिम ऐसा शब्द है जो आपको प्रोटेक्ट करता है बुरी चीज़ों से। आपको जब भी दिक्कत आ रही हो अपने जीवन में आगे बढ़ने में, तो आपको अपनी हर एक चीज़ के अंदर ओम का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए। शब्द हैं आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, आपकी नेगेटिविटीज़ को रिमूव करते हैं, पॉजिटिविटीज़ को लॉक करते हैं, सक्सेस देते हैं, जीवन को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा सुखद हाईवे बन जाते हैं जहां आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, आपको जीवन में कभी रुकने देगी नहीं और आपको कोई परेशानी कभी आएगी नहीं। ठीक उसी तरीके से नंबर्स भी हमारे जीवन में मैजिकली काम करते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको एक ऐसा नंबर जिसको आप अपने हाथ पर लिख लेंगे तो लोगों से आपको मिलेगा बहुत प्यार, रिस्पेक्ट। एक ऐसा नंबर जिसे आप अपने कपड़े पे अगर लिख लेंगे तो आपको मिलेगा आपके जीवन का सक्सेस। एक ऐसा नंबर जिसको आप लिखकर अगर अपने प्रभु को अर्पित कर देंगे, और वो भी किस पर लिखेंगे, फूल की पत्ती पर, गुलाब की पत्ती पर या कमल की पत्ती पर अर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में भाग्य उदय कैसे हो जाता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत विशेष महत्वपूर्ण आपको बताने आज आई हूँ। थैंक यू सीमा, आप इसी तरीके से सराहा देती हैं तो मेरा मनोबल और बढ़ जाता है और मुझे लगता है कि मेरी विद्या सही जगह काम आ रही है। लेकिन उससे पहले कुछ विशेष चीज़ें जो मैं आपसे रूबरू हुई हूँ तो आज आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फालतू की बातें बताती हो, बकवास करती हो, अंधविश्वास फैला रही हो, आपकी विद्या कोई मतलब नहीं रखती, ये फालतू की बातें हैं, सिर्फ लोगों को बहकाने की चीज़ें हैं, लोगों को राह भटकाने की चीज़ें हैं। तो आज मैं बहुत प्यार से आपको एक चीज़ बताती हूँ, विद्या कभी भी किसी के जीवन में कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं डालती। विद्या किससे प्राप्त हो रही है ये मायने रखता है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र आपका मेडिकल साइंस का हो, चाहे वकालत का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आपकी किसी गवर्नमेंट ऑफिस का हो, चाहे टीचर का हो, किसी भी चीज़ में, हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग हमेशा होते हैं। हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। आपको अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपका भला कर जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जिनसे आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी क्षेत्र को या किसी भी शिक्षा को बुरा कहें। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिससे आप बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन के अंदर बदलाव कर सकते हैं और अपनी नियति को भी बदल सकते हैं। अब कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि आप ज्योतिष के माध्यम से या आप अपने उपायों के माध्यम से किसी की लिखी किस्मत को बदल दें? नहीं, किसी की लिखी किस्मत को नहीं बदल सकते, लेकिन बदलने के रास्ते निकाल सकते हैं।
रास्ते निकालकर आप खुश रह सकते हैं, आप अपने जीवन के अंदर एक नया डायरेक्शन ला सकते हैं, और शायद ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी आपके जीवन में हर तरीके से आपको समृद्ध बनाने की, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक, आपको मजबूती देने के लिए। ज्योतिष हमेशा से आपको सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि हम कुछ भी बता देते हैं, हमें कुछ नहीं आता। 34 साल हो गए मुझे ज्योतिष पढ़ते पढ़ते और ज्योतिष के बारे में बोलते बोलते, 34 अ लॉन्ग ईयर्स, एक बहुत लंबा समय है सिर्फ एक क्षेत्र में बोले जाने का, एक ही क्षेत्र को पढ़े जाने का, एक ही क्षेत्र में रिसर्च करे जाने का। 34 सालों में ज्योतिष को मैंने जितनी गहराई से जाना, समझा, तो मुझे पता चला कि ज्योतिष हर एक क्षेत्र से जुड़ा होता है। जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि चंद्रमा जो होता है वो आपके मन को शांत करता है। मन ये नहीं है जिसे आप यहाँ पर दिल बताते हो, ये नहीं है। मन आपके मस्तिष्क में एक छोटी सी जगह होती है जिसमें अगर आपको दिक्कत आएगी, मतलब आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर वीक होगा तो वो आपको डिप्रेस्ड कर देगा, वो आपको छोटी छोटी उलझनों में हमेशा उलझा के रखेगा, आपको कलह उत्पन्न करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्यूरिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, वाटर प्यूरिफिकेशन आपकी लाइफ में ठीक से नहीं रहेगा, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत उत्पन्न करता है, और आपको इसकी वजह से अपने जीवन में बहुत सारी यातनाओं को सहना पड़ता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। मैंने बहुत बार आप लोगों से अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस और था, मैंने आपको बताया था कि मैं एक अमेरिका की टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ, और वो लोग जब जब मेडिकल साइंस में कोई चीज़ पकड़ नहीं पाते ना, तो वो हम लोगों से उसके बारे में थोड़ा सा ज्योतिष को लेकर कंसल्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसी बीमारी है और ये कैसे उत्पन्न होती है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था जुड़वा भाइयों का, वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बीमारी है, लेकिन ज्योतिष ने उनको पकड़ के दे दिया कि प्रॉब्लम कहाँ है। आप लोगों को तो शायद वो स्टोरी याद होगी जो पुराने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। ऐसी ही एक चीज़ और मैं आज आपको बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया था और उन्होंने मुझे उस बच्चे के बारे में डिस्कस किया और मुझसे पूछा कि इस पेशेंट को हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं और इसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा है, ज्योतिष इस चीज़ में हमें कैसे हेल्प कर सकता है। हमने रिसर्च किया, हमने उस चीज़ पर संशोधन किया और क्या निकल कर आया, उस व्यक्ति का चंद्रमा जिस नक्षत्र का था, जिस डिग्री पर था, वो उसकी बॉडी के एक पार्ट को प्रभावित कर रहा था। और ये बॉडी का पार्ट क्या था जानते हैं? ब्रेन में एक पार्ट था जिसे कहते हैं हाइपर, मैं आपको बताऊंगी, आप थोड़ा सा रुकिए, मैं कुछ बहुत जरूरी बता रही हूं, फिर मैं आपको बताऊंगी। मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, ठीक है। इसे कहते हैं हाइपर थैलेमस, जो कि आपकी बॉडी में इंद्रियों को उत्पन्न करता है, जो आपको किसी ना किसी तरीके से वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देता है जो चंद्रमा के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से आपको जब भी मंगल की दिक्कत होती है तो हम आपको क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में कैसी प्रॉब्लम्स होंगी, रक्त से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आपका कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन जरूर होगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उन्हें मैं दावे से कहती हूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितना भी जोर लगा लेना, आपको सिजेरियन ही होगा। ये सब किसकी वजह से है? मंगल की वजह से। घुटनों में दिक्कत होगी ही होगी, कैसे? मंगल की वजह से होगी ही होगी। आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जो उनको बैलेंस करके रखता है, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से मूवमेंट करती है, ऑयल समझ लीजिए आपकी बॉडी का,
वो किसकी वजह से जनरेट होता है और उसको कौन मैनेज करता है? आपका मंगल। बुध अच्छा नहीं होगा, ऐसे लोगों को भूलने की बीमारी होगी। ये कौन बताता है? ज्योतिष बताता है। मंगल और बुध आपकी कुंडली में एक और काम करता है, जिनका मंगल अच्छा नहीं होता, आपको पता है, ऐसे व्यक्ति का उसके परिवार में कोई भी एक भाई या बहन कैंसर पेशेंट जरूर होता है। ये कितना गहरा ज्ञान है, ये कितनी गहराई की बात है। कौन सी मेडिकल साइंस ये बताएगी? डीएनए टेस्ट करेंगे, नाना प्रकार के आपकी बॉडी के अंदर से टेस्टिंग की जाएगी, तब निकलेगा ये बात कि आपके क्या घर के अंदर किसी को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कहूँगी हाँ, हो सकती है। गुरु का नक्षत्र, गुरु की डिग्री और गुरु की राशि, तीनों का ढंग से संशोधन किया जाए और उसको सर्वाष्टक वर्ग में सही नंबरों के साथ कैलकुलेट किया जाए, तो ये बताया जा सकता है कि आपके घर में आपके पिता या पिता तुल्य कोई व्यक्ति, मतलब चाचा, दादा, ताऊ, आपके फादर या फादर जैसे लोग आपके घर में, क्या उन्हें लीवर से रिलेटेड दिक्कत होगी, क्या उनकी डेथ हार्ट अटैक से होगी, ये आपको पता चल सकता है आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से। किसी और की जरूरत नहीं है हमें, हमें कोई टेस्ट नहीं कराने। ज्योतिष इतना बड़ा ज्ञान है, इतना अंदर तक जाने वाला ज्ञान है। ज्योतिष इतना सब कुछ बता सकता है जिसे जानने के लिए आपको ना जाने कितने कितने दर्द सहने पड़ेंगे और कितनी कितनी अपने जीवन के अंदर चीजों से गुजरना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको वो चीज, आपको या आपके घर में किसी को परेशान करेगी या नहीं करेगी, राइट? और हम आपको सिर्फ एकमात्र कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि आपके साथ ये दिक्कत होगी या नहीं होगी। आपकी बॉडी पे कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिन्हें देखकर हम आपको बता सकते हैं कि आपका पिछले जन्म से क्या चीज आप कैरी करके लेकर आए हो। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे ऐसा भी कहा, मैं चूंकि आज इंस्टाग्राम पे भी लाइव हूँ, यूट्यूब वालों को बता दूं, इसलिए मैं शायद इस बात को वापस से रिपीट कर रही हूँ। मुझे इंस्टाग्राम से ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आते हैं, यूट्यूब वाले बच्चे मुझसे अब ऐसा कुछ नहीं कहते, उन्हें पता है उनकी माँ क्या है। तो मुझे यूट्यूब से ऐसा भी कमेंट आया कि आप बड़ी गजब की गुरु माँ हैं और आपके तो बॉडी पे आपने इतने सारे टैटू बनवा रखे हैं, टैटू आपके लिए होंगे साहब, हमारी तो संस्कृति के अंदर ये चीज़ें बहुत प्राचीन समय से आ गई। मैं राजस्थान से हूँ, हमारे राजस्थान के अंदर थोड़ी पे यहाँ पर तीन ऐसे चिन्ह गुदवाए जाते थे और बचपन में ही गुदवाए जाते थे, हाथों पर नाम लिखवाए जाते थे, बचपन में ही ऐसा काम कर दिया जाता था। ये काले रंग से गुदाई करना, अब थोड़ा सा पेन कम होता है जब हम इसको टैटू के रूप में गुदवाते हैं। हमारे ज़माने में या हमारे बुजुर्गों के ज़माने में जब ये क्रिया की जाती थी, बहुत पेनफुल होती थी। अफ्रीका में चले जाइए आप, प्राचीन संस्कृति में चले जाइए आप, उठाइए, रिसर्च करिए, गूगल पे डालिए, टैटू आपके लिए आज होगा। हमारे लिए ये चिन्ह बहुत सालों से हमारी प्रोटेक्शन का कारण बनते आ रहे हैं, बहुत सालों से हमारे जीवन के अंदर इनकी एक विशेषता रही है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु लग्न में या दूसरे घर में बैठा होता था, ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है और जैमिनी सिद्धांत की तीसरी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को अपने कान के पीछे, अपनी गर्दन के पीछे काले रंग का एक गुदाई करके अक्षर जरूर लिखवाना चाहिए। और वो अक्षर क्या है? ओम। कान के पीछे या गर्दन के पीछे काले रंग से गुदाई करवा के ओम जरूर लिखवाना चाहिए। जिन लोगों को अपनी राशि, एक और चीज बताती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है ये आजकल ट्रेंड हो गया है, हमने नाम गुदवा लिया और ये टैटू उसने करवाया इसलिए हमने करवा लिया, इसने करवाया। आप तो क्या है, फॉलो करते हो एक से दूसरी चीज़ों को। हम ज्योतिष में उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। जब टैटू का एकदम से आया ना,
प्रवाह, और लोगों ने टैटू 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 करना स्टार्ट किया। हमारी टीम ने मिलकर उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और क्या निकल के आई अद्भुत चीज़ें, मैं बताती हूँ आपको। नाड़ी शास्त्र की कुछ चीज़ों से हमको ये पता चला कि जिन लोगों के ऊपर नाम से और उनके नक्षत्रों से वशीकरण किया जा सकता है, इसको रोकने का, इसको प्रोटेक्ट करने का एक सिंपल तरीका होता है, काले अक्षर से उनके लेफ्ट हैंड पर उनका नाम गुदवा दीजिए। काले अक्षर से उनके लेफ्ट हैंड पर उनका नाम गुदवा दीजिए, जिसे आप टैटू कहते हैं महाराज। मैं बहुत अच्छी ज्योतिषी हूं और ये मैं बहुत दावे से कहती हूं, क्योंकि मेरी हर चीज के पीछे ज्योतिष है और उसका कारण भी है। इसलिए मुझे टिप्पणी करने से पहले हजार बार सोचिएगा, वरना मेरे सामने आकर मुझसे तर्क वितर्क करिएगा। हर एक चीज का प्रमाण भी दूंगी और हर एक चीज का कारण भी दूंगी और शास्त्रानुसार उसका आपको उत्तर भी दूंगी। 34 साल बर्बाद नहीं किए हैं मैंने, अपना जीवन मैंने पूरा इसी विद्या में झोंका है। तो मुझे कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लेना। आप 6 महीने 3 महीने पहले पड़े हुए इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, मेरा पूरा कुल इसी काम में लगा हुआ है। मेरे यहाँ बच्चे 12-15 साल के बाद में होते हैं, ज्योतिष में एक्सपर्ट उससे पहले हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए मुझे आज के बाद कभी भी इस तरह के कमेंट्स मत करिएगा। दूसरी चीज, आजकल एक और चीज बड़ी ट्रेंड में है और मैंने भी बहुत बार आपको अपनी वीडियोस में बताई है कि हस्बैंड वाइफ को अपना नाम मिलाकर अपने हाथ पर जरूर लिखवाना चाहिए। मैंने भी लिखवा रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने भी लिखवा रखा है अपना नाम और आपके सर का नाम साथ में। इसका एक रीजन होता है, आपके रिश्ते को किसी की नजर नहीं लगती। इसका दूसरा रीजन होता है, आपका रिश्ता कभी टूटता नहीं, आपके रिश्ते में बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त होती है। इसके साथ में आप कुछ सिंबल्स यूज कर लें, इसके साथ में आप कुछ नंबर्स यूज कर लें, तो वाह क्या कहने, आपके रिश्ते में इतनी मजबूती आ जाएगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। सपोज करिए, अगर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम मेष राशि पर है और दूसरे व्यक्ति का नाम वृश्चिक राशि पर है, 1-8 कॉम्बिनेशन हो गया मेरी जान। ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं सेपरेशन आएगा ही आएगा, विचारों में आए, शरीर से आए, डिस्टेंस से आए, एक बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, एक को बहुत ज्यादा पीड़ाएं होने लगे, या इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए। 1-8 कॉम्बिनेशन हो गया, ये दिक्कत करेगा ही करेगा। ऐसी कंडीशन में शादी से पूर्व हम लोग कुछ पूजाएं करते हैं, इनके ग्रहों को शांत करते हैं, नाम परिवर्तित करते हैं। बहुत सारे लोग नाम बदल लेते हैं शादी से पहले, ताकि ये चीजें बाद में दिक्कत ना करें। बोलता नाम बदल जाएगा तो ये 1-8 का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो लोग कम ट्रस्ट करते हैं या नहीं कर पाते या जिन्हें पता नहीं होता, खास करके वो बच्चे मेरे जो अब्रॉड में बैठे हैं, जो इस चीज़ से वाकिफ ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक बहुत सरल तरीका रह जाता है। अपने हाथ पर एक ऐसा टैटू बनवा लीजिए जो ये 1-8 का कॉम्बिनेशन चलने ही नहीं देगा। टैटू आपकी जिंदगी में ज्योतिष के अनुसार आपकी चीजों को बदल सकता है, करके देखिए ना। मैं बैठी हूँ आपको सलाह देने के लिए, जब चाहेंगे 24/7 मैं आपकी मदद करूँगी। लेकिन भरोसा करिए, हो सकता है कुछ अज्ञानी लोग हों जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं हो, जो आपको भटकाते हों, आप उन्हें बुरा बोलिए, ज्योतिष को बुरा मत बोलिए। ज्योतिष बहुत अच्छा ज्ञान है, आपकी ज़िंदगी में दिन रात का अंतर ला सकता है अगर आप इसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो। कौन से वीडियो में तुम्हें नॉलेज नहीं मिलती मेरी जान, ये बताना। क्यों कंचन, कौन से वीडियो में नॉलेज नहीं मिलती? टैटू लड़के कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग तरीके से चिन्ह गुदवाना, अलग अलग तरीके से उनको यूज करना,
ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है, बृहद ज्ञान है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे टैटू क्यों बनवा रखा है, मैंने यहाँ क्यों बनवा रखा है, आपको तब समझ में आएगा। चलिए जी, इसी तरीके से अंक आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाते हैं। घर का नंबर सही ना हो और डायरेक्शन उसके ऊपर आपकी गलत हो, जैसे कि अगर आपके घर का नंबर है 1 और आप रह रहे हैं साउथ डायरेक्शन में, अच्छा है या बुरा है? आपके घर का सम टोटल है 1 और आप रह रहे हैं साउथ डायरेक्शन में, अच्छा है या बुरा है? मेरे पुराने बच्चे बोलेंगे इसमें तो मुझे, क्योंकि बहुत वीडियोस देख चुके हैं तो उन्हें पता होगा। कोई नहीं बोल रहा, अच्छा है, बिल्कुल सही विनीता, अच्छा है, लेकिन प्रॉपर साउथ है तो अच्छा है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट चला गया तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गया। इसी तरीके से आपकी गाड़ी का नंबर आपके साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका मोबाइल नंबर आपके साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये आपके साथ बहुत मायने रखता है। आपका रोल नंबर सही नहीं होगा तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके पेपर्स में मार्क्स कहीं ना कहीं अटकेंगे, लेकिन इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। कैसे? नंबरों से, क्योंकि अब रोल नंबर तो भैया आ गया, उसको तो कैसे ही आप परिवर्तित कर सकते हो, इतनी जुगाड़ पानी तो किसी की है नहीं। कैसे चेंज करेंगे? नंबर्स से चेंज करेंगे। कैसे? ये एक बहुत अच्छा और बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है, इसके बारे में हम आपको फिर किसी दिन कुछ अच्छा वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने लेफ्ट हैंड पे लिख लीजिए एक ऐसा नंबर जिससे आपको मिलेगा प्यार, सम्मान, समर्पण, त्याग और अपनों का साथ। क्या है ये नंबर, कौन से पेन से लिखना है और कैसे लिखना है, बताऊं? माँ इस बारे में बताओ, बेस्ट है? ठीक है, जगन्नाथपुरी जाने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो जिस जिसको भी अपनी अर्जियां लगवानी हो, प्लीज अपना नाम, अपनी मदर का नाम, अपनी इच्छा मुझे कमेंट्स में जरूर भेज दीजिए। इंस्टाग्राम वाले मैंने कमेंट्स बंद कर रखे हैं, क्योंकि बहुत वाहियात और बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं यहाँ पर, सो सॉरी। शायद कुछ अच्छे बच्चों का भी इसमें नुकसान हो रहा है इस वजह से, पर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मतलब मैं इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई किसी को और एक औरत को इतना गंदा कैसे बोलकर अपना ही खुद का गुरु और अपना शुक्र खराब कर सकता है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का जीवन खराब हो, मैं उस भाग में भाग ही नहीं लेना चाहती जिससे किसी की ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत आए, तो इसलिए प्लीज़ आप हमें DM कर दीजिएगा आपका नाम, आपकी मदर का नाम और आपकी मनोवांछित इच्छा। जिन्हें विशेष अर्जी लगवानी हो वो प्लीज़ मेरे YouTube पे नीचे कमेंट्स करिएगा, सुधा दीदी से या मीरा दीदी से कांटेक्ट करिएगा। बहुत कम दिन रह गए हैं इसलिए जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, अर्जियाँ यहीं से तैयार होकर जाएंगी, इसलिए प्लीज़ 3 तारीख से पहले पहले अपनी अर्जियाँ भेज दीजिए, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, वहाँ जाकर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। कोशिश करूंगी वहां जाकर आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने की, और ख़ास करके जगन्नाथ जी का विसर्जन और नए जगन्नाथ जी का प्रस्थान तो मैं अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। लव यू मेरी जान, क्या हालचाल। चलिए नहीं आया, मैं रथ यात्रा के लिए नहीं आ रही हूँ, मैं पूर्णिमा स्नान पर आ रही हूँ। चलिए जी, मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, वो ध्यान से सुनिए और उनको अप्लाई कीजिए। ये जो नंबर मैं आपको देने वाली हूँ, इनको विशेष डेट्स पर लिखना है आपको। देखिए, बहुत संबंध होता है नंबर्स का, और नंबर्स एक मैजिकल वर्ल्ड है जिसके अंदर हम सही तरीके से सही डेट पर सही काम करें तो हमें उसका बहुत असर मिलता है।
11 तारीख को 11 11 पे अगर आप ये नंबर लिखते हैं तो आपका फेम बढ़ता है, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग आपसे जुड़ते हैं, आपका संग बढ़ता है, आपको जीवन के अंदर लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है। और ये नंबर क्या है? ये नंबर है 1172। 11 तारीख को 11 11 पे अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पर ब्लू पेन से नंबर लिख लेते हैं 1172, तो ये आपको समृद्धि देता है, प्रसिद्धि देता है, आपको बढ़ाता है, आपका मान बढ़ाता है, आपके जीवन में लोगों को आपके साथ जोड़ता है। 26 तारीख को लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसा करना है कर लीजिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ पेन पेपर लेकर बैठा करो, ये बहुत अच्छा काम होता है जब भी आप मुझसे बात करते हो। इस समय प्लीज़ अपने मैसेजेस छोड़कर उस चीज़ पर बात कर लीजिए जो मैं कर रही हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है बच्चा। लाइफ चेंजिंग नंबर्स दे रही हूँ मैं आपको, प्लीज़ इनको प्लीज़ राइट डाउन करिए। 26 तारीख को अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पर रेड पेन से लिख देते हैं 8018, रात के समय आपको ये लिखकर सो जाना है। अपनी 3 विशेस बोल देनी है रिलेटेड टू योर करियर। मुझे बाहर जाना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, मुझे फलाने इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए, मैं ये कोर्स अच्छी से कर पाऊँ, मेरी इतनी परसेंटेज आ जाए, वॉट एवर इट इज़, बट रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। 26 तारीख, हर महीने में 26 तारीख आती है, 26 तारीख को अगर आप रेड पेन से ये नंबर लिख लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड पर, तो ये आपको आपके करियर में सक्सेस देता है, आपकी हर मनोकामना पूरी करता है। और आप 3 विशेस मांग सकते हैं रिलेटेड टू योर करियर, योर प्रोफेशन, ठीक है? चाहे आप बिजनेस भी करते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जब जब कॉम्बिनेशन बनता है 7 का, कब कब बनता है 7 का कॉम्बिनेशन? 07 हर महीने आती है, 07, 16, 6+1, 7, ठीक है ना, 2, 5, 7, 3 डेट्स मिल गई आपको महीने में। इन 3 डेट्स पर अगर आप ब्लैक पेन से अपने लेफ्ट हैंड पर लिख लेते हैं 5058, इस नंबर को आप लिख लेते हैं, अपने शत्रु का नाम लेते हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, उनका नाम लेते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके जीवन में अब कोई परेशानी ना करे, शांत हो जाए, आपके लिए अच्छे विचार रखे, आपके लिए अच्छा सोचे। आप ये कार्य करते हैं तो आप देखिएगा इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। वो हर डेट जिसका कॉम्बिनेशन 7 बनता है, जिसका कॉम्बिनेशन 7 बनता है, वो उस डेट पर आप ये काम कर सकते हैं। आप चाहे तो हर डेट पे भी कर सकते हैं, जैसे 7 तारीख को करा, 16 को करा, 25 को करा, कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए, एक ऐसा नंबर जो आपको, ऋतु मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ और आप अपनी चीज़ मेरे सामने ला रही हैं, क्या पता आपको कुंडली जानने की ज़रूरत ना पड़े, आपको इतनी अच्छी चीज़ बता रही हूँ। चलिए, मैंने आपको बताया कि पत्तों पर लिख लीजिए कुछ नंबर्स और इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी मैनिफेस्टिंग हर चीज़ की पूरी हो जाएगी, आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा, घर, गाड़ी, फॉरेन, जो भी आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर, जो आपकी इच्छा है वो आप कर लीजिएगा। गंदे लोग, गंदी सोच लेकर ये काम कभी मत करिएगा, मेरे ठाकुर जी उठा के पटकने का काम बहुत अच्छा करते हैं। किसी लड़की को गलत नीयत से देखेंगे ना तो वहीं आपका पतन होगा, किसी लड़की के लिए अगर ये गलत काम करेंगे ना तो वहीं आपका सर्वनाश होगा। किसी की गलत नीयत से कोई काम करने की कोशिश करेंगे, किसी का गलत काम करके आप अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे ना, ठाकुर जी वहीं आपके साथ कुछ बुरा करेंगे। इसलिए वो लोग तो यहां से चपत हो जाएं, जिनकी नीयत खराब हो, जिनकी सोच खराब हो, केवल वही बच्चे यहां मेरे पास टिकें
जो अपने जीवन में अच्छी सोच रखते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, यूनिवर्स केवल वही लेता है जिसके भाव, जिसका दिल, जिसकी आत्मा पवित्र होती है। अपवित्र लोगों की नहीं सुनते ईश्वर। शैतान का राज होता है ऐसे लोगों पे, वहां ईश्वर कुछ नहीं करते। चलिए एक और, आपको लव अफेक्शन बढ़ाने के लिए, आपके प्यार को और गहरा करने के लिए एक नंबर देती हूँ। हर फ्राइडे आपको ये नंबर अपने लेफ्ट हैंड पर या अपने लेफ्ट पैर पर, आपके बॉडी के लेफ्ट साइड पर कहीं भी आप लिख सकते हो। और ये नंबर क्या है और कैसे लिखना है, पहले आप अपने यहाँ पर कलाई पर, मणि बंद होता है ना ये आपका, यहाँ पर थोड़ा सा इत्र लगा लीजिएगा और रेड कलर के पेन से इस नंबर को लिखिएगा। नंबर क्या है, 21 72 21 72। आपके प्यार में मजबूती आने लगेगी, आपका और रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। अगर कोई आपके लिए गलत भी सोच रहा है ना, आपका प्रेमी या प्रेमिका, वो आपसे वापस से कनेक्टेड हो जाएंगे, आपके प्यार में नहीं आएगा, आप अलग कभी नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से। ट्राई करके देखिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, किसी को लक्ष्मी की दिक्कत आ रही हो, कर्जे बहुत बढ़ गए हो, जीवन के अंदर धन प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए? धन प्राप्ति नहीं हो रही हो जीवन के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? 2171 इस नंबर को आपको कमल के पुष्प पर चंदन से लिख देना है, पीले चंदन से कमल की पुष्प की पत्ती के ऊपर आपको इस नंबर को लिख देना है, 2171। और किसको चढ़ाएंगे? शुक्रवार के दिन नारायण के मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण को अर्पित करके आएंगे। लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं हो, सीताराम जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। सीताराम जी का मंदिर ना मिले, राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दीजिए। सब एक ही रूप है, एक ही रंग है। आप इनके श्री चरणों में इस नंबर को कमल की पत्ती पर चंदन से लिखकर चढ़ा कर आ जाइए। अगर आप कमल के पुष्प पर भी ये नंबर लिखकर चढ़ा के आते हैं, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। वैसे तो एकादशी के दिन कभी भी तुलसी का पत्र तोड़ा नहीं जाता, इसीलिए तुलसी पत्र को अगर आप एक दो दिन पहले तोड़कर अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र को आप 7 दिन तक ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं, वो अछूत या खराब नहीं माना जाता। आप तोड़ने के बाद भी 7 दिन तक तुलसी जी के पत्ते को श्री चरणों में चढ़ा सकते हैं, हरि को अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप एकादशी के दिन हल्दी से तुलसी के पत्र पर लिख देते हैं 11 3 5 1 1 3 5 और श्री हरि को अर्पित कर देते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा बोल देते हैं, तो आपका कल्याण मेरे ठाकुर जी जरूर करते हैं। प्रेमी तो ये काम जरूर करें, जिन्हें प्रेम विवाह करना है वो बच्चे जरूर करें। जिन बच्चों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत हर्ट होना पड़ता है ना, वो बच्चे जरूर करें, क्योंकि मैं पता है बच्चों के लिए हमेशा ये चाहती हूँ, वो स्ट्रांगली बहुत रहें, बहुत इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहें, उनके अंदर ना ताकत बहुत होनी चाहिए। जब बच्चों के अंदर ताकत होगी ना, अंदर की ऊर्जा अच्छी होगी, तो वो बहुत कुछ नया कर पाएंगे, बहुत कुछ अद्भुत कर पाएंगे। तो ज़रूर करिए ये काम। जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी मन पर घात लगता है, मैं बार बार क्यों ये मन की, इमोशंस की और जीवन के अंदर डिप्रेशन की बातें करती हूँ, क्यों बार बार मैं प्यार पे बोलती हूँ, क्यों बार बार मैं आपको अंदर से स्ट्रांग करने की बात करती हूँ? जानते हैं, इंसान अंदर से स्ट्रांग होगा ना, तो वो हर चीज़ पा सकता है जो वो पाना चाहता है। हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि ईश्वर ने बहुत दी है। वो कहाँ कमज़ोर होता है? वो सिर्फ एक चीज़ में कमज़ोर होता है, और वो चीज़ होता है मन, भावनाएं, इमोशंस।
कभी भी कोई व्यक्ति बाहर से नहीं हारता, बाहर के लोगों से कभी नहीं हारता, हमेशा बड़े से बड़े महान योद्धा का अंत उसके अपने घर से, परिवार से, अपने लोगों से हुआ है। प्यार एक इल्यूजन नहीं है, प्यार एक बहुत सुखद एहसास है, पर आप राहु के वर्ल्ड में जी रहे हैं, राहु के युग में जी रहे हैं, कलयुग राहु का युग है, तो आपको इल्यूजन ही समझ में आएगा। प्यार को समझने के लिए मेरे ठाकुर जी को समझिए, प्यार अपने आप समझ में आएगा, इल्यूजन हट जाएगा, आंखों से वो पर्दा हट जाएगा जो प्यार को भ्रमित कर रहा है। जिन्हें प्यार समझ नहीं आता है ना, वो मेरे ठाकुर जी को समझना चालू करिए। भक्ति मत करिए, नाम जाप मत करिए, उन्हें जाकर वस्त्र अर्पित मत करिए, उनसे प्रेम करिए। जब आंखें बंद होना तो वो आपके अंदर बैठे हुए महसूस होने चाहिए, वो प्रेम अपने लिए एकत्रित करिए, तो आपको पता लगेगा प्रेम कभी भी इल्यूजन नहीं है, प्रेम बहुत बड़ी ताकत है। इस कलयुग में पार होने का सबसे बड़ा मंत्र ही प्रेम है, प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ये ढाई आखर प्रेम के जिसने पढ़ लिए ना, वो जीवन में हर एक चीज का विद्वान है, बस ये प्रेम समझने की बात है। फिर किसी दिन समझाऊंगी मेरी जान, जब मैं और आप अकेले बैठे होंगे, आज तो बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए, मुझे जल चाहिए थोड़ा सा दीदी, जल ही जीवन है। चलिए, तो जिनके जीवन में आप जैसे लोग, जिन्हें लगता है कि प्यार इल्यूजन है, डिप्रेशन है, टेंशन है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मन खराब है, मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में इस नंबर को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये नंबर क्या है और कैसे लिखना है? आपको गुलाब की पत्ती के ऊपर रेड कलर के पेन से ये नंबर लिखना है। आप लाल चंदन से भी लिख सकते हैं, रोली से भी लिख सकते हैं, और मोर पंख से भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, अगर आपकी आदत है, आप लिखना जानते हैं तो। करते हैं, बहुत लोग करते हैं विनीता, नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, लड़कियों के लिए गलत गलत बातें बोलते हैं, दूसरे का तिरस्कार करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, किसी को भी मन से, अपने वचनों से दुखी कर देते हैं, कि चोरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद कहते हैं हमने उपाय किया, उपाय हमें लगा ही नहीं। करते हैं ये बहुत अव्वल नंबर के लोग हैं, जिनकी वजह से है ना ये युग, ये दुनिया खराब हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, आज का लास्ट नंबर, आज का लास्ट नंबर, और आज के लिए प्लीज गुड बाय, 9 बज चुके हैं। चाय पिला लीजिए, गला बैठ गया है। चाहिए थोड़ा प्यार। चले, आज का नंबर जो आप गुलाब की पत्ती पे इन सब चीजों से लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और नंबर क्या है, मेरा फेवरेट नंबर है, मुझे बहुत प्यार है इस नंबर से, छोटा सा नंबर है, प्यारा सा, आपके जीवन को बैलेंस करने वाला नंबर है 808 क्यों? 808 हमें क्या ताकत देता है, इसके बारे में फिर किसी दिन चर्चा करूंगी, आपको बताऊंगी कि कौन से नंबर से आपको क्या पावर्स मिलती हैं, कौन सा नंबर आपको कौन सी ताकत देता है, पीरियड्स में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोशिश भी मत करिए। फिर किसी दिन क्या बताऊंगी, आज ही बता दो, आज साथ हैं, पता नहीं फिर कहाँ भटक जाएंगे, फिर पता नहीं किसके पास चले जाएंगे, फिर कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में कोई ताकत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी खराब है, आज ही बता देती हूँ, शायद आपके काम आएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल बेटा जी, लव यू मेरी जान। एक नंबर आपके करियर को,
आपके जीवन को, आपकी प्रसिद्धि को, आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके जीवन की ऊंचाइयों को आपको देता है। दो नंबर आपको मधुर संबंध देता है, आपका लोगों के साथ में संबंध बताता है, प्रेम बताता है, इमोशंस बताता है, फीलिंग्स बताता है। तीन नंबर आपको परिवार देता है, स्वास्थ्य देता है, शिक्षा देता है, अच्छा गुरु देता है, आपके जीवन में सरल राहें देता है, आपको धर्म देता है। चार नंबर आपको संपत्ति देता है, आपके जीवन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें देता है। पांच नंबर आपको ऊर्जा देता है, जो इंटरनल ऊर्जा होती है ना, जिसे मैं पॉजिटिव एनर्जी कहती हूँ, ऊर्जा कहती हूँ, बार 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 जिस पर मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, ये पांच नंबर देता है। छः नंबर आपको मित्र देता है, साथी देता है, आपका लवर देता है, प्रेम देता है, आकर्षण देता है, आपके जीवन के अंदर आपको ग्लैमरस वर्ल्ड देता है, ग्लैमर देता है, आपको बहुत सारे टेंट्रम देता है, अच्छा मोबाइल देता है, अच्छी गाड़ी देता है, सब कुछ अच्छा देता है। सात नंबर आपके जीवन में आपको सही ज्ञान देता है, असली ज्ञान देता है, जो वास्तविक जीवन के अंदर ज्ञान होता है ना, वो आपको देता है, आपके जीवन का सही आधार देता है, आपकी इंटरनल पावर होता है, आपकी आत्मा होता है सात नंबर, आपको डिवाइन से कनेक्ट करने का काम जो है ना वो सेवन नंबर करता है। आठ नंबर आपको जीवन के अंदर बहुत सारी उपलब्धियां देता है, आपको सही गुरु देता है, सही डायरेक्शन देता है, सही लोगों से मिलाता है, आपका हमेशा आपकी राहें इजी बनाता है। आठ नंबर आपको जीवन के अंदर सरलता देने का काम करता है। नौ नंबर आपको प्रसिद्धि देता है, नौ नंबर आपको भूमि देता है, नौ नंबर आपको जीवन के अंदर स्टेबिलिटी देता है, नौ नंबर आपको मेरे जैसा बड़बोला भी बना देता है, बहुत बुलाता है भाई, बहुत बुलाता है, बहुत ज़बरदस्त बुलाता है, बोलते 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 आप थकोगे ही नहीं, इतना बुलाता है आपको, जैसे मैं हूँ, कितना भी बुलवा लो। और मेरी बोलने की आदत इतनी ज़्यादा है कि कई कई बार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए, पर मैं शांत रह नहीं पाती, ये बड़ी दिक्कत है मेरे साथ। अरे वाह, आज तो मेरे यूट्यूब पे मेरे साथ बड़े सारे बच्चे जुड़े हैं, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। एक बार नाम लीजिए, मुन्ना नाम लिया मैंने आपका। चलिए, ये सारी चीज़ें आपको नंबर्स के बारे में बताई, और नंबर्स ना आपके फ़ोन पे भी बहुत ज़्यादा काम करता है। मेरे YouTube वाले बच्चों के साथ तो मैंने शेयर किया था ये वाला सेशन, तो उनको पता है कि नंबर्स कैसे मोबाइल पे यूज़ करना चाहिए, कैसे पासवर्ड्स रखने चाहिए, और बस चले, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टा वालों को बाय बाय कर दिया, यूट्यूब वालों को अभी बाय बाय नहीं किया मैंने, रुक जाओ। थैंक यू सूरज भैया, चाय भी लिया है, गजब। सूरज भैया ये हटा दो, थैंक यू, आप थोड़ा सा पास आ जाओ, अब ठीक है। हाँ, अब बताओ, अब मुझसे किस किस को क्या क्या बात करनी थी, अब करो। आई एम हियर, माँ राधे राधे, माँ राधे राधे, कल राधा रानी के दर्शन करने गई थी वृंदावन, माँ आशीर्वाद दे, नौकरी लग जाए, बिल्कुल आशीर्वाद। अरे जब आपने उनका आशीर्वाद ले लिया तो मैं कहाँ हूँ यार, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है, लव यू सो मच। मैं तो रोज इतना ही थकती हूँ यार, रोज का सिलसिला है, कुछ नया नहीं है। मैं आज किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने बहुत कुछ बताया है, अगर आप चाहो ना तो इससे आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन कर सकते हो, और नहीं चाहो तो फिर तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। जिन जिन के भी डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं ना, और जिन जिन को उसको लेकर दिक्कत आ रही है, सितंबर तक ये चीज़ें निमट गई तो ठीक है, वरना ये थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी, ये ध्यान रखना। जी साहब, क्या साहब,
काई की जाइए, मेरे लिए तोड़ भी लाना। तेल वाले हैं पर चांद तारे, चांद तारे तोड़ लेना, आप चांद पे जा रहे हो ना। माँ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, जब वो एक्स हो गया तो वो तुम्हें चीट कैसे नहीं करे? प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के बारे में बात करो तो समझ में आता है, एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट ना करे? क्या बात करते हो यार, ढंग से तो लिखा करो, सही बात तो करा करो। थैंक यू मेरी जान। जी यार गोलगप्पे खाने हैं, खाना रेडी हो जाएगा तो उस समय तो 1.5 घंटा लगेगा। ये आप तब ले आएंगे, नीचे वाले अच्छे हैं? नहीं अच्छे, गुस्से मत हो। मैं कहाँ गुस्सा हो रही हूँ, मैं कब गुस्सा हुई? मैंने तो इतनी अच्छी से सारी चीजें बता दी, मैं कब गुस्सा हुई भाई? चाय ठंडी हो जा रही है तो, अभी तो बहुत गर्म है। चलो लव यू, चलो जी अब चले, बाय बाय। आपको अभी मुझे इसके बाद में एकादशी वाला वीडियो भी देना है, पानी पे लिखे अपना नाम और अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करें, जरूर देख लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। बहुत बड़ा दिन है इस बार एकादशी पे और बहुत जबरदस्त आपके लिए संजोग बन रहे हैं, ज़रूर करिएगा ये काम। और जीवन में हर चीज़ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए, ठाकुर जी आपके सारे काम पूरे करें। मैं बैठी हूँ बाकी आपके लिए, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए। नहीं मुझे वो नहीं खाने, मुझे वो नहीं खाने विनीता, वो मेरे घर के बाहर खड़ा होता है ना, मुझे उसी के गोलगप्पे खाने हैं, उसके बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे वैसे वाले गोलगप्पे नहीं खाने हैं। ऑनलाइन वाले तो फिर मैं ही मंगा लेती, वो यहाँ नीचे खड़ा होता है तो मैं सर लेकर आते हैं, उसके बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं, बस उसी के खाने हैं। चलो जी आज के लिए बाय बाय टाटा, कल मिलते हैं। आजा मन कर रहा है तो आजा मैं खिलाऊं, तुम्हारे यहाँ तो इतने शानदार गोलगप्पे मिलते हैं यार, गुड़गांव तो उसका कहीं मुकाबला नहीं कर सकता। मुंह में पानी आ गया मेरे नाम लेते, इतने शानदार गोलगप्पे मिलते हैं तुम्हारे यहाँ, उफ क्या कहने। वो मुझे आज भी याद है, वो जगह थी ना, एक पुल सा था जहाँ से अपन रात को जब तुम मुझे छोड़ने आए थे, कितने गोलगप्पे वाले, आइसक्रीम वाले, फालूदा वाले खड़े थे, देख देख के ही मन ऐसा हो रहा था, पूछो मत। तो कहाँ मेरे यहाँ का बात करती है बच्चा, तुम्हारे यहाँ तो मुझसे शानदार गोलगप्पे मिलते हैं। नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। और मैं उस समय भी मैंने बोला था, मैं YouTube वाले बच्चों को नहीं बोल रही थी, अब तो बंद हो गया Instagram, मैं Instagram के लोगों को बोल रही थी। Instagram पे लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि आप किसी लेडी को बोल रहे हो, आप कैसी कैसी बातें बोलते हो, आपको ज़रा भी शर्म नहीं, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप इग्नोर कर दीजिए, आप आगे बढ़िए, आप दूसरों को देखिए, आप हर कैटेगरी में एक इंसान को कैसे रख सकते हो, बहुत गंदा, मतलब इतना वाहियात कि मैं आपके सामने क्या शेयर करूं। ये मेरी लड़कियां ही हैं जिनका जिगरा है, जो इन कॉल्स को सुन के भी पेशेंस रख के बैठी रहती है, वरना सच में मेरी जैसी सुन लेना तो काट पीट के पटक दे ऐसे आदमियों को, चंडी बन जाती हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है जब कोई औरत को बुरा बोलता है। तो मैं उनको बोल रही थी, आप लोगों को नहीं बोला मैंने। और ये मेरे
जबकि आप ये देखो, मेरा कोई आपको वीडियो कभी भी डीप गले का नहीं मिलता, आपको मेरा कोई वीडियो ऐसा नहीं मिलता जिसके अंदर मैं वाहियात कपड़े पहनती हूँ, मेरा कोई आपको वीडियो ऐसा नहीं मिलता जिसके अंदर मैंने कोई अश्लील प्रदर्शन करा हो। तब ये हालत है कि उनको हर चीज़ से दिक्कत है। ये इतना सही टैटू भी दिख रहा है ना, इस पर भी कमेंट्स हैं भाई साहब, तो उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। बाय बच्चा बाय, जय श्री कृष्णा। उनको बोल रही थी, आप लोगों को नहीं बोल रही। चलो मेरी जान, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बनाए रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, और मैंने जो आपसे कहा था कि मैं हर ग्रह के ऊपर एक आपसे रोज़ बात करूँगी या विचार करूँगी, तो मैंने अभी उसके वीडियोस तैयार कर दिए। अभी आप वीडियोस देखिए, फिर अपन लाइव में भी उन चीज़ों को शेयर करेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, मुझसे बात कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। और कुछ नया होगा तो मुझे बताइएगा। खाना अच्छे से खा लीजिएगा, अच्छे से सोइएगा। स्वीट ड्रीम्स, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।